नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैं दिनेश कुमार, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RPF भर्ती परीक्षा 2018 की जो एडमिट कार्ड जारी होने की डेट आई है उसके बारे में, तथा साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, उसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तथा साथ में वो भी आपका कन्फ्यूज दूर करने की कोशिश करूँगा कि पहले परीक्षा होगी या दौड़। दोस्तों, मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर पहले एग्ज़ाम होगा या दौड़ होगी, तो मैं आपका सारा कन्फ्यूज इसी वीडियो में को दूर कर दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट रह जाता तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा पास में बेल आइकन बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे ये होगा कि मेरे द्वारा बनेगी RPF या रेलवे की या फिर अदर वैकेंसी कुछ भी वीडियो होगी तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगी। मेरे इस चैनल पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया, उनके एनालिसिस, कट ऑफ वगैरह सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मेरे ही चैनल के द्वारा दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि RPF का एग्ज़ाम कब से हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते एक बार इसे लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये पत्रिका की न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि रेलवे कांस्टेबल और सब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 के लिए एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं। RRB रिक्रूटमेंट की ओर से निकली गई 9,700 पदों के कांस्टेबल और इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जा रहे हैं। इन पदों की भर्ती 7th CPC में मैट्रिक्स लेवल पर की जा रही है। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों की यह भर्ती रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF और रेलवे प्रोटेक्टर स्पेशल फोर्स के लिए की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2018 रखी गई है। अब रेलवे भर्ती बोर्ड की जल्द ही इसके लिए एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम पैटर्न और एडमिट कार्ड आदि ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आगे बताया गया है कि कुल पदों की संख्या पे 9,739 है, कांस्टेबल में जो 8,619 है, तथा सब इंस्पेक्टर के लिए 1,120 है। दोस्तों, साथ ही साथ इसमें पे स्केल के बारे में बताया गया है, जो कांस्टेबल के लिए 21,700 रहेगा तथा सब इंस्पेक्टर के लिए 35,400 रहेगा, और साथ में वेतन भत्ते भी दिए जाएंगे। आगे दोस्तों बताया गया है कि RPF RPSF रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम डेट के बारे में खबर है कि जल्द ही रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एग्ज़ाम डेट जारी की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में CBT कंप्यूटर टेस्ट होगा जो कि इस साल सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित किया जा सकता है। दोस्तों, ये सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित नहीं किया जा रहा है। इसकी डेट मैं आपको बता दूँ कि रेलवे का जो ALP का एग्ज़ाम है वो दोस्तों 12 से 14 के बीच में है, और जो डी ग्रुप के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं आपको पता है उनकी डेट जो 17 दिसंबर लास्ट है, तो 17 दिसंबर तक तो कुछ भी एग्ज़ाम नहीं है, पर हाँ जो इसका एग्ज़ाम है वो आपके दिसंबर लास्ट वीक तक हो जाएगा। तो बिना किसी का वेट किए हुए, बिना न्यूज़ का वेट किए अभी से तैयारी में लग जाइएगा दोस्तों। और साथ ही साथ मैं बता दूँ, इसमें जो पहले एग्ज़ाम होगा या दौड़, तो इसके अंदर पहले CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्ज़ाम होगा, जैसे कि ALP के अंदर हुआ था। आगे दोस्तों इसमें ये देखो, आपके मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया। सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में PET फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा, उसके बाद में PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद में DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि इसके लिए आपको 4 चरणों से गुजरना होगा। आगे दोस्तों विस्तार से बताया कि CBT में विषय और उनके अंक जो जनरल अवेयरनेस है वो 50 अंक का होगा, अर्थमेटिक्स यानी गणित जो 35 अंक की होगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपके 35 मार्क्स की होगी, टोटल है जो 120 मार्क्स है, और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, पेपर का कुल समय 90 मिनट रहेगा। आगे दोस्तों लिखा है कि इस भर्ती में कांस्टेबल पदों के लिए पेपर में पर्सन 10वीं के स्तर का होगा, वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन लेवल का होगा। लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के और प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 माइनस मार्किंग है।
तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूँ, जो एग्ज़ाम है वो 15 भाषाओं में होगा, तो आप कौन से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश चूज करें तो इंग्लिश कर लो, हिंदी है तो हिंदी कर लो, अदर लैंग्वेज है तो वो भी चूज कर लो। लेकिन अगर आपकी हिंदी है और आप इंग्लिश भी कर सकते हो, लैंग्वेज को वहाँ आप फेर बदल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक लैंग्वेज ही चूज किए हुए रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों बिना किसी का वेट किए हुए डेली फ्री जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए यहाँ पर अब आपके सामने एक मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे सब्सक्राइब बटन आपके सामने आ जाएगा, तो उस पर सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। डेली न्यू अपडेट आपको मेरे चैनल के द्वारा सबसे पहले मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे और मस्त रहें।